श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में स्कूली बच्चों ने छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज मशीन तैयार की है, जिससे बिना छुए हाथ सैनिटाइज किए जा सकेंगे। और साथ ही कक्षा 10 के छात्र दिव्यांश नागपाल ने यह बताया कि इसमें सेंसर लगाया गया है, जब कोई व्यक्ति मशीन के आगे हाथ करेगा तो उसके हाथ ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएंगे। वहीं BCMO डॉक्टर मुकेश मित्तल ने छात्रों की ओर से तैयार की गई मशीन की सराहना की है। मेरे को देखने का मौका मिला ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र का। वास्तव में पहले तो मैं इन बच्चों को और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनको इस बात के लिए बड़ी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर और इतने छोटी क्लास के बच्चों से, इनको पता नहीं किस तरह से इन्होंने मोटिवेट किया, या ये बच्चे इनबॉर्न ही कोई इंटेलिजेंट हैं, और ये बहुत बढ़िया इन्होंने एक चीज़ तैयार की है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना के अंदर हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, और ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र जो है, जैसे बच्चे एकदम से जो बाहर से आते हैं, कोई अपनी गाड़ियों से आए, बसेस से आए, तो उन बच्चों को अगर अपने हैंड सैनिटाइज करके अपने क्लास में अपने प्रवेश देते हैं तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल होगा। क्लासें लगी थी, उन्होंने मतलब कहा था कि आप COVID-19 के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो सर हमने सर की मदद से ये प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम होम ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है। इसका वर्क है सर, ये कोई इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो सर ये उसको सेंस करके 2 सेकंड के लिए सर ये स्प्रे ऑन हो जाती है, और जैसे ही कोई आगे चला जाता है तो स्प्रे ऑफ हो जाती है।